ऐसे में अमिताभ ये बताइए कि हिंदुत्व का एजेंडा या फिर हिंदुत्व का तुरुप का इक्का कह लीजिए चलता दिखेगा लोकसभा चुनाव में, संविधान चला, नैरेटिव चला, आती हूँ सिद्धार्थ, मौका दूंगी आपको, लोकसभा चुनाव में संविधान का नैरेटिव चला, विधानसभा चुनाव में बीजेपी कह रही है नहीं चलेगा, चलता दिखेगा क्या? दोनों नैरेटिव में कौन किस पर भारी? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो काफी हाईली हाइपर लोकल होता जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों गठबंधन में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों दलों ने कहीं ना कहीं टिकट खड़े, अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। आप ये देखेंगे कि देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। हिंदुत्व का भी वोटर है, देखिए अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग कम्युनिकेशन मैसेज होता है। तो एक बीजेपी का हिंदुत्व का कोर वोट है, उसके लिए मैसेज है, दूसरा है एक उसका मिडिल क्लास कोर वोटर है, उसके लिए हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का कोर मैसेज है। फिर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं उसके उनका वोटर है, तो आप उनके लिए लाडकी बहना स्कीम आपके पास है। तो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ वोटर्स के लिए अलग अलग मैसेज जो है हर पॉलिटिकल पार्टी देती है। अब यहाँ पे इशू ये है कि देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। अब दोनों ही अलायंसेस में कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैं, और जहां पर एमवीए में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे एक अननेचुरल पार्टनर की तरह है, वहां पर एनसीपी एपी आपकी महायुति में है। लेकिन उस अननेचुरल अलायंस ने, लेकिन अगर अमिताभ से अगर आप अननेचुरल अलायंस कह रहे हैं, उस अननेचुरल अलायंस ने बढ़िया परफॉर्म किया लोकसभा चुनाव में। एनडीए 41 पर था, 17 पर रह गया। करेक्ट, तो दोनों तरफ अननेचुरल अलायंसेज है, और उसमें से एक अलायंस ने दूसरे अननेचुरल अलायंस को हराया। ठीक है, ये हुआ एक्चुअली। तो किसी ना किसी को जीतना था। वहां पर हमने देखा कि लोकसभा में महाविकास अघाड़ी ने महायुति को हराया। अब आप देखेंगे कि एनसीपी अजित पवार जहां से भी लड़ रहे हैं, वहां पर पिछली बार बीजेपी या शिवसेना का उम्मीदवार खड़ा था, उसको ही हरा के तो एनसीपी अजित पवार जीते ना। तो वहां पर रेबेलियन होना वाजिब है, वहां पर वोट ट्रांसफर 100% नहीं होगा। उसी तरह से जहां से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का कैंडिडेट खड़ा है, वहां पर वो एनसीपी या कांग्रेस को हरा करके आया है। तो हर इस बार अगर आप इलेक्शन वेबसाइट के पे अभी जाकर देखें तो 8,100 नॉमिनेशन फाइल किए जा चुके हैं 288 सीटों के लिए। पिछले बार 7,500 फाइल किए गए थे, और अभी तो धीरे धीरे वेबसाइट अपडेट हो रहा है। तो इस बार उम्मीदवारों की संख्या जो है वो काफी बढ़ने वाली है, और दो दल हैं जिनको इसका फायदा है। आप अगर अनडिवाइडेड एनसीपी और अनडिवाइडेड शिवसेना ले लें, तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना 50 सीटों पे लड़ रही है, और एनसीपी वर्सेस एनसीपी 40 सीटों पे लड़ रही है। यानी शिवसेना का एक धड़ा और एनसीपी का एक धड़ा बिना एक भी वोट पड़े 90 सीटों पे ऑलरेडी जीत चुका है। इस पॉलिटिकल अपहीवल में क्या हुआ है कि हम लोगों को यह लग रहा है कि शिवसेना और एनसीपी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, लेकिन अगर आप दोनों दलों को जोड़ लें तो दोनों ही घटक दल पिछली बार जितनी सीटें जीतने में कामयाब हुई थी उससे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहेगी, दोनों ही फैक्शन शिवसेना की और एनसीपी की। तो और बड़ा जल्दी से अमिताभ जी, बड़ा जल्दी से जरा ये बताइए कि रीजनल पार्टीज जो है नेशनल पार्टीज के एक्सपेंस पे बढ़ रही है।